वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज है फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स का डे टू। आज मैं आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको कलर शो करती हूँ कि कौन से कलर को यूज़ करेंगे। आज मैं ब्लू एंड पर्पल का शेड यूज़ करूँगी, बट इसमें एक ट्विस्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने नेम शो कर दिया है, तो ये सारे कलर यूज़ करेंगे। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि इनको मिक्स करके हम एक न्यू कलर बनाएंगे, और ये है इस बॉटल में मैंने बनाए हैं। ये बॉटल, जब आपका कोई भी बॉटल फ्री हो जाती है तो उसको आप वॉश करके रख लीजिए, और बाद में आपको कलर स्टोर करने का काम आता है। तो इन तीनों कलर को मिक्स करके हम ये कलर बनाएंगे। अभी मैं मिक्सिंग आपको बता दूंगी, और मिक्सिंग की ये वीडियो भी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखिए, इस कलर को बनाने के लिए वाइट हम लेंगे। मैं थोड़ा सा अमाउंट यूज़ कर रही हूँ, कलर वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद हम पर्शियन ब्लू एंड थोड़ा सा पर्पल कलर को इस तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आपके पास आएगा ये कलर का शेड, जिसको आज की वीडियो में मैं यूज़ करूँगी, और बहुत ही अच्छा शेड आता है, और इसको मैंने बना के एक बॉटल में इस तरीके से स्टोर कर लिया है। आपको अगर लग रहा है कि आपका ज़्यादा लाइट या डार्क है, तो आप उसमें कलर और ऐड करके शेड बना सकते हैं। शेडिंग पे एक वीडियो मैंने पहले बताई थी कि किस तरीके से आपको मिक्स करके डिफरेंट शेड बना सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एक मिनट की है। और ये शेड मैं आपको बताने वाली हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही थी कि बॉटल में स्टोर करने से आपका जो पेंट है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो अंदर सेफ़ एंड सिक्योर होता है, जबकि कहीं और लेने से वो सूख के वेस्ट हो जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कौन सा कलर यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ब्रश, राउंड ब्रश बहुत सारे होते हैं, बट आज की वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ, देखिए, ये राउंड ब्रश 8 नंबर का ब्रश है। अगर आपके पास किसी और कंपनी या ब्रांड के ब्रश हो तो इट्स ओके। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रश इसीलिए मैंने रखे हैं, बट आपको राउंड ब्रश इस तरीके से यूज़ करना है जिसका हेयर इतना हो। तो ये है हमारे आज का मटेरियल, ब्रश एंड पेंट, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, साइड का कलर जो हमने मिक्स करके एक सेपरेट बॉटल में बनाया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ बता देती हूँ। आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल फ्लावर आपको पेंट करके बता रही हूँ, जो कि आपने कभी ना कभी तो ज़रूर बनाया होगा, ताकि आपको ड्राइंग में बहुत इजी हो। क्लास वन में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि वो भी बहुत इजी टू ड्रॉ है, बट इसीलिए क्लास टू मैंने और सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। अगर आपको मैं सबसे पहले शीट पे पेंट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि शेड्स क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि शीट पे भी दिखाइए, हम पेंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम शीट पे पेंट करें, इसके बाद मैं आपको अभी फैब्रिक पे भी पेंट करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले एक साइड पे ब्लू कलर को अप्लाई किया, दूसरे साइड पे मैंने वाइट कलर को अप्लाई किया और अच्छे से ब्लेंड किया। फिर जिस साइड पे मैंने वाइट को अप्लाई किया था, उसके बगल वाले पेटल पे ब्लू को अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। अब ये शीट है, इस पर ज़्यादा वाटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ख़राब हो सकती है। मैंने नॉर्मल ड्राइंग का पेज यूज़ किया है, क्योंकि मुझे आपको बस शो करना था कि किस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं अगर आप शीट पे पेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग ही सिखाती हूँ, तो अभी मैं आपको फैब्रिक पे भी करके बताऊँगी। और सेम इसी प्रोसेस से आप या तो क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज, एक पेटल करेंगे, उसके साइड, उसके साइड, उसके साइड, इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, थर्ड पेटल को भी मैं कर रही हूँ, तो मैं एक वे में कर रही हूँ यहाँ से क्लॉकवाइज तरीके से। तो इसी तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे एक पेटल कोई और किया फिर किसी और जगह से कर दिया, तो हो सकता है बाद में आप जब लास्ट पेटल पेंट करें तो कंफ्यूज़ हो जाएं कि कहाँ पे शेड कौन सा आप लगाना है, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से फोर्थ पेटल पे, वाइट था हमारा इससे पहले वाले पेटल में लास्ट जो हमारा वाइट शेड था, तो फिर हमने फोर्थ पेटल पे वहाँ से डार्क कलर लगाया, जो कि हमारा है ब्लू कलर, और इस तरीके से मिक्स एंड ब्लेंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ये इजी टू ड्रॉ है। और अगर आप ड्राइंग वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फैब्रिक पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ से चैनल ज्वाइन करें, आपको ड्राइंग की सारी वीडियो यहाँ मिल जाएगी। टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे वीडियो डालती रहती हूँ, और ये है ज्वाइन का प्रोसेस, देख लीजिए, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे आपके लिए लगा दिया है। चलिए, अब फैब्रिक पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फैब्रिक, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको बताया है
कि आपको किस तरीके से फैब्रिक को पहले वॉश करना है, फिर आयरन करना है, ताकि आपका जो पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। जब हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उसमें स्टार्च यूज़ होता है, तो उस स्टार्च को वॉश ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका कलर बहुत जल्दी निकलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और मैंने आपके साथ ये पैटर्न अभी शेयर किया था, तो आई होप कि ये आपने फैब्रिक पे अपने ड्रॉ कर लिया होगा, ताकि जब मैं अभी पेंट करना शुरू करूँ तो आप साथ में पेंट कर सकें। चलिए इसको भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी पेंसिल, ठीक है, पेन यूज़ नहीं करना, मैं पेन को प्रेफर नहीं करती हूँ, उसके भी बहुत रीज़न्स होते हैं, आगे मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि क्यों नहीं करती हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको जो मेन बता रही हूँ वो ड्रॉ करना बताती हूँ, ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, ये फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, और सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से, और 5 पेटल का हम ये फ्लावर बनाएंगे, जो कि हर शेप में इसकी पेटल होती है। ये चीज़ आप नोट करके और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1। तो मैंने ग्रुप में पहले ही ये शेयर कर दिया था, तो आई होप कि आपने पहले ड्रॉ कर लिया होगा, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ होता है। देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बहुत ही आराम से, इजी सा फ्लावर है, आपसे बन जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा। अगर आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा है तो बताइएगा, मैं आपको फिर कुछ और बताती हूँ, ट्रेसिंग वगैरह का तरीका बताऊँगी कि कैसे आप अलग से बना के ट्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको शेड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कलर मैंने बता दिया है कि किस तरीके से बनाएंगे, तो ये कौन सा कलर है मैं इसका नेम आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने इसको मिक्स करके बनाया है, ताकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड आए हमारे पास। तो आप बस प्राइमरी कलर परचेस कर लीजिए, जो बेसिक कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे, और मैं आपको आगे वीडियोस में बताती जाऊँगी कि किस तरीके से मिक्स कर करके आप बहुत ही अच्छा शेड बना सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरी 3rd बिगनर सीरीज़ है जिसको मैंने शुरू किया है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी बिगनर सीरीज़ 2 या 3 बताई है, तो उस पर मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया है। यहाँ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू हैं, तो आपको पता चल जाए। और बेसिकली इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगी कि आप डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं खुद से फ्लावर बना के, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट की थी कि डिज़ाइन बनाना बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर को, शेड को समझेंगे कि किस तरीके से, क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस है कि मैं स्टेप बाय स्टेप पेंट करती जा रही हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि देखिए, मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ ये पेटल को, 1 बाय 1 पेंट कर रही हूँ ना, रैंडमली कोई भी इधर उधर की पेटल को पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, या तो आप क्लॉकवाइज अपना डायरेक्शन लेके जा सकते हैं, जिस तरीके से घड़ी चलती है ना, पहले 1 बजता है 2 3 इस तरीके से, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉक भी आप ले जा सकते हैं उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, शेड ऐसे ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं देंगे। जब आप शेड देंगे ना, थोड़ा सा आपका ब्रश पे थोड़ा प्रेशर होगा और वो कर्व्ड चलेगा, ठीक है। अभी मैं फिर से देखिए यहाँ लगा रही हूँ, कर्व लाइन आएगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं बनाएंगे, उससे आपका जो फ्लावर ना उसका फ्लैट लुक आ जाता है। लेकिन जब आप अपने ब्रश में थोड़ा सा मूवमेंट के साथ, प्रेशर के साथ, जब आप इस तरीके से कर्व स्ट्रोक देंगे, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ये एकदम बेसिक फ्लावर है, लेकिन आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब अभी मैं पेंट करते जाऊँगी इसको, एक डिज़ाइन के फॉर्म में बना के आपको दिखाऊँगी, तब आप समझेंगे कि किस तरीके से जो आपकी शेडिंग है, जो आपके ब्रश का मूवमेंट है, वो आपके डिज़ाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये 2 पेटल हो गई है, अब मैं आपको तीसरा बता रही हूँ। पहले ही मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है, कि जब हमारे 1st 2 पेटल, देखिए जहाँ पे 2nd पेटल एंड हो रही है, वहाँ वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना थोड़ा शेड, तो उसके बाद वाले जो पेटल में हम कलर अप्लाई करेंगे वो ब्लू करेंगे डार्क, ठीक है। और फिर वाइट के बगल में यहाँ वाली जो ये 3rd पेटल एंड हो रही है वाइट पे, उसके भी फिर नेक्स्ट पेटल में हम ब्लू करेंगे, तो ये हमारा आएगा लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क ये शेड होगा, ठीक है। ये लाइट एंड डार्क शेड है, ये मैंने आपको 2-3 क्लास में बताया है, बट मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑफकोर्स जो लोग न्यू हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिक से समझें। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहला तो ये
कि आपको अपना जो शेड है, जो ब्रश है, वो स्ट्रेट नहीं चलाना है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है मेरा एकदम एक बार में बन रहा, आपका ना बने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, आप एक क्लॉथ परचेज़ करिए, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार ख़राब होता है, दो बार ख़राब होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद भी नया नया तरीका जो है वो डिस्कवर होगा कि मैं इस तरीके से इसको पेंट कर सकती हूँ, इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस फ्लावर को आप फ्लैट ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली पेंट हो जाएगा। और मैंने ऐसे फ्लैट ब्रश से पेंट करके दिखाया है एक दो वीडियो में, अगर आपको चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब देखिए, मैं इसको फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप कि ये शेड आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से शेड करना है। लाइट एंड डार्क है, बहुत ही ईजी एंड ब्यूटीफुल सा हमारा फ्लावर है। और हमने फैब्रिक को प्रिपेयर किया, कलर प्रिपेयर किया, ब्रश आपको बता दिया है। अब देखिए इस तरीके से, और एक बात याद रखना है, पैचेस नहीं आने चाहिए। एक तरफ आपका बिल्कुल ऐसा हो जाए कि ये पूरा वाइट ऐसा दिख रहा है और दूसरी साइड पूरा ब्लू, नहीं, वो बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप मैंने थ्री फ्लावर को पहले ड्रॉ किया, पेंट किया। चाहती तो मैं पूरी डिज़ाइन भी बना सकती थी, बट उसको आपको ना अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं होता। अब देखिए, जब मैंने पेंट कर दिया तो आपको अच्छे से फ्लावर समझ में भी आ रहा होगा। अब मैंने ऊपर वाले फ्लावर को नीचे वाले फ्लावर से कनेक्ट किया और लीव बनाई, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले दोनों फ्लावर हैं उसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे लीव्स, ठीक है। वो इसी तरीके से जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो आप ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बना सकती हूँ, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन, दो लाइन ऐसे निकाली और यहाँ पे एक लीव ऐड कर दूँगी, यहाँ पे दूसरी करूँगी उसके अपोजिट साइड, और एक जो हमारी अभी ऊपर का स्पेस छूटा है ना, वहाँ पे भी। तो हम सोच सकते हैं वहाँ पे एक, देखिए, या तो सिंपल मैं लीव भी बना सकती हूँ, लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो या तो लीव बना दीजिए या फिर आप ऐसे छोटी छोटी सी कलियाँ बना सकते हैं जो आपके डिज़ाइन को बहुत ही क्यूट सा लुक देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे कि ठीक है, मैं यहाँ पर कली ऐड कर देती हूँ, देखती हूँ ऐसा कैसे आता है, यहाँ मैं कर देती हूँ और इस तरीके से बना के देखती हूँ। तो आप जब ये सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक होती है, तो आपको ख़ुद पता चलता है कि ओ, मैं तो ख़ुद बहुत प्यारा बना सकती हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये वर्क आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करके सबमिट करना है ग्रुप में। आपका जो भी मिस्टेक वगैरह होगी वो मैं बता दूँगी और आपका वर्क मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर भी मैं करूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर और ग्रुप में स्टोरी पर हर जगह। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के पेंटिंग सीखना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपकी पेंटिंग इम्प्रूव हो सकती है जब तक आप ब्रश खुद चलाते नहीं हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसमें दे रही हूँ आउटलाइन, ठीक। आउटलाइन कौन से कलर से देंगे हम, तो हम यहाँ पे यूज़ करें डार्क ब्लू कलर, और बहुत ही आराम से हम आउटलाइन देंगे। आउटलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे 0 नंबर का या 1 नंबर का ब्रश। आप देख रहे हैं लाइनर ब्रश होता है, बहुत ही बारीक सा इसका ब्रश होता है और इसमें बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आता है, पूरे डिज़ाइन को डिफ़ाइन कर देता है। मैं चाहती तो उसी ब्रश से कर सकती थी, बट मेरा हैंडसेट है ना, तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक वो आता है जब आप लाइनर ब्रश से करते हैं तो बहुत ही उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो देखिए, हमारे फ्लावर हो गए हैं पेंट, इसको मैंने कर लिया आउटलाइन। अब मैं आपको लीव को पेंट करना बताऊँगी, बहुत ईजी प्रोसेस बताऊँगी क्योंकि ये बिगनर्स क्लास है, तो आज तो मैं आपको बहुत ईजी बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले ब्रश की हेल्प से अपनी लीव को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं इस तरीके से, आपको लगता है कि आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पेंसिल से ही डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का हल्का। और एक साइड पे हम लगाएंगे ऑलिव ग्रीन। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ईजी है, बट आपको क्या है ना, सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जो कलर्स को कोशिश करिएगा कि फैब्रिक पे ना लगे, बहुत ही नीट से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। और ये सारा जो मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ, इसके लिए आपको एक क्लॉथ परचेस कर लेना है। आप 2 मीटर का क्लॉथ ले लीजिए, उसको वॉश एंड आयरन करके रख लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी तो उस पर आप ऐसे सेक्शन बना के अपना वर्क करते जाइएगा। और लास्ट में मैं सबके क्लॉथ की पूरी पूरी जो फ़ोटो है वो आप मुझे सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, कितने लोगों ने सीखा है, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो वर्क है एक जगह रहेगा, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है कुछ नया सीखने की, क्योंकि सारे वर्क्स आपके रहते हैं बहुत प्यारे दिखते हैं बनने पे, तो इससे आपका मोटिवेशन हाई रहता है। बट आप कहीं पे भी इधर उधर बनाएंगे तो फिर आपका मोटिवेशन जल्दी डाउन हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइट जो है लाइट शेड को अप्लाई कर दिया। लास्ट वाले लीव में भी अप्लाई करूँगी, उसके बाद हमें चाहिए होगा डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन में मैं सैप ग्रीन यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर आप अभी क्लास ले रहे हैं, आपके पास ये सेम कलर नहीं है या अभी आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोई भी बेसिक कलर जो आपके पास है वो यूज़ कर लीजिएगा। डिज़ाइन ये बनाइएगा और फिर आज का वर्क प्रैक्टिस करके ज़रूर भेजिएगा। शेड को मेन आप ये कोशिश करिएगा कि आप मेनली जो सीख रहे हैं वो शेड सीखिए, ठीक है। शेड आपको आ जाएगा, आप कोई भी डिज़ाइन पेंट कर सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट बस आप शेड सीखने पे फोकस करिए। और ये भी आप देख लीजिएगा कि आप कौन से ब्रश में ज़्यादा अच्छे हैं, फ्लैट ब्रश या राउंड ब्रश। दो तीन आप पेंटिंग करिए फ्लैट से, दो तीन आप पेंटिंग करिए राउंड से, फिर आपको खुद समझ आएगा दोनों आर्ट वर्क को देख के कि कौन सा ज़्यादा अच्छा बना है, किस में मुझे बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, तो फिर आप वो ब्रश को कंटिन्यू करिएगा आगे, ठीक है। और एक मैंने वीडियो भी बनाई थी फ्लैट वर्सेस राउंड की, आपको ब्रश की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी ये बिगनर्स क्लास डे टू था, इसलिए मैंने आपको बहुत ही ईजी लीव बताई है। आगे चल के मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीव पेंट करना बताऊंगी और पूरा एक सेशन भी ऐसा लेने वाली हूँ जिसमें डिफरेंट लीव्स ही बताने वाली हूँ। तो लेकिन आपको क्या है कि क्लास वन से ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस करिए, वरना आपको बाद में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डे बाय डे मैं जो है इसको थोड़ा सा टफ टफ ऐसा करते जाऊँगी एडवांस लेवल पर, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस एक सीरीज़ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस को आपको नहीं छोड़ना, वरना देखिए जैसे जैसे डे टू डे थ्री डे फोर आ जाएगा तो आपको लगेगा आप तो पीछे छूट गए हैं, इसीलिए आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं डिज़ाइन को ज्वाइन कर रही हूँ, लाइट शेड ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अभी आप उतना परफेक्टली आपका हैंड सेट नहीं है तो यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे लाइनर ब्रश, ओके। ज़ीरो नंबर का ब्रश यूज़ करिए, वन नंबर का यूज़ करिए, वेल एंड गुड है, राउंड ब्रश ही यूज़ करेंगे। अगर आप फ्लैट से भी पेंट कर रहे हैं ना, तो ये ज्वाइनिंग के लिए आप यूज़ करिएगा राउंड लाइनर ब्रश, ठीक है। बहुत ही साफ़ एंड क्लियर जो लाइन आती है वो इससे आती है। और देखिए अब वन बाय वन हम अपने डिज़ाइन को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से इस डिज़ाइन का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले फ्लावर को ड्रॉ किया मैंने, पेंट करके बताया, फिर उसको कनेक्ट किया, लीव्स बनाई, यहाँ पे छोटी छोटी सी कलियाँ भी बना दी, फिर उसको हमने वन बाय वन पेंट कर लिया। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक सी डिज़ाइन है, अब इसको आप और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। देखिए पहले आपको इसको कनेक्ट कर लेना है कम्प्लीटली। अभी हमारा फ्लावर का जो है सेंटर पार्ट भी बचा हुआ है और फ्लावर को हमने आउटलाइन तो कर ही लिया था। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये लीव्स जो आपने बहुत बेसिकली हाफ हाफ शेड में बस फिल किया था, तो यहाँ पे आपको डालना होगा नस। नस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसमें अभी आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन आपको ये आ जाएगा, आपका आर्ट वर्क बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए इसमें ना मैंने लाइट ग्रीन कलर में वाइट को मिक्स किया है और उसको लाइट ग्रीन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने डार्क शेड ही यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा लाइट चाहिए था कलर। और उसके बाद हम नस डालेंगे, देखिए इस तरीके से जो डार्क ग्रीन है ना, डार्क ग्रीन पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइट सी करेंगे, वाइट लेंगे ज़्यादा सा, उसमें लाइट ग्रीन को मिक्स करेंगे तो एक ग्रीनिश वाइट आ गया, इससे बनाएंगे। क्योंकि अगर हम डार्क पे डार्क से ही बनाएंगे वो तो दिखेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा। इसी तरीके से वन बाय वन एक साइड जो हमारी नस है बना लेंगे। उसके बाद जो हमने मैंने आपको पहले बोला था आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए ब्रश को साफ़ करने के लिए, तो अभी मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों साइड पे इसी कलर से नस डाल देती हूँ, फिर मैं कलर चेंज करूँगी, तो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अभी इसका लेवल अप करूँगी। अभी आप ऐसा करिए कि ये लाइट से ये दोनों साइड पे नस डालिए। अब देखिए सेंटर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम अच्छे से फिल करेंगे येलो कलर से, बहुत ही बेसिक है। जनरली हम लोग छोटे से जब भी पेंट करते आए हैं, तो हमने जब भी ड्राइंग व्राइंग पे बनाई तो येलो कलर ही फिल करते थे ना, तो उसी तरीके से आपको येलो कलर फिल कर देना है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा आप चाहें कि नहीं मेरा थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए, ईजी भी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कलर अप्लाई करें। ये कौन सा कलर है, ये कलर मैंने बनाया है ब्राउन एंड येलो को मिक्स करके, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा शेड आ जाएगा, ज़्यादा डार्क भी मुझे नहीं चाहिए था, ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए था, उसके लिए मैंने इसको मिक्स करके बनाया है।
और यहाँ पे हम अपनी कली पे छोटा सा डॉट दे देंगे तो ये इसके लुक को बहुत क्यूट बना देगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपका बहुत ही सिंपल सा आर्टवर्क भी इम्प्रूव हो जाता है, इनहेंस हो जाती है उसकी ब्यूटी। और लास्ट में एक छोटा सा डॉट वाइट कलर का फ्लावर में ऐसे दे रही हूँ। और ये थी मेरी आज की क्लास, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि कल की क्लास शायद थोड़ी टफ हो गई थी। आप लोगों ने मैसेज वगैरह किया था कि थोड़ा इजी से बेसिक से बताइए, तो आज मैंने आपको ये बताया है कि आप जाइए ड्रॉ करिए, पेंट करिए। आपका प्रैक्टिस वर्क जो आपका होमवर्क है वो आज शाम से ग्रुप में शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसका आज बन जाता है वेल एंड गुड, जिसका कल बनता है वो कल से शेयर करेगा। परसों क्लास 3 की वीडियो आएगी, क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो से रिलेटेड या फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड जो भी अभी आपके क्वेश्चन रह गए हैं कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे टॉपिक कवर कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 3 में। Till then, take care. Bye-bye.